हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ और आप देख रहे हो ये वाला व्लॉग। तो ये मैं पहली बार डाल रही हूँ, मतलब मैंने कभी व्लॉग शूट करा ही नहीं है सच्ची बताऊँ तो। तो इस व्लॉग में बेसिकली होने क्या वाला है, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं घूमने। अब हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब आपको देखना है इसी व्लॉग में। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सो आप सबको अगर ये सब देखना है, ऑफकोर्स देख लो यार क्या जा रहा है। तो ये आपको ये सब अगर देखना है तो आप आगे आगे हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सो गाइस, अब हम ट्रेन में भूखे पेट तो रहेंगे नहीं, कुछ खाएंगे, तो इसलिए हम कुछ कुक कर रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं कर रही यार, मैं कुछ कर ही नहीं रही, सच्ची बता रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, देख लो। तो गाइज, यहाँ पे हमारी बन रही हैं फूली फूली रोटियाँ, और इसके साथ ही यहाँ पे हैं ये फ्राइड राइस, एंड ये हमने दूध गर्म करा है जिससे हम चाय भरेंगे, कॉफ़ी बनाएंगे। देखती हूँ मूल आंटी, हाय कर दो व्लॉग में। हाय गाइज, कैसे हो आप सब? हेलो गाइज, आप सब पिनिया खा लो, खा लो यार, खा लो, कभी कभी मिलता है, खा लो खा लो। और ये रही मैं अपने पैरों पे टिक तक नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी छोटी सी हूँ यार, ये कि मिरर इतना ऊपर लटका रखा है, मैं कैसे खड़ी हूँ। सो गाइस, अभी हमने बनाई है यहाँ पे चाय, बट यार चाय के साथ हमें बनानी है कॉफ़ी, बिकॉज हम ट्रेन में जाएंगे, ऊपर से ये ठंड का टाइम है, तो घर से ही बना के जाओ बेटर है, क्योंकि बाहर की चाय या कॉफ़ी ना हमें पसंद नहीं आती जल्दी, तो इसलिए घर से बना के जाओ अच्छी बात है। तो गाइस, हमारी चाय है रेडी 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 रेडी, जो कि यार यहाँ से एकदम धुएं मार रही है, एकदम फोक फोक हो रही है। सो गाइस, हमारी चाय हो गई है रेडी, अब हमें क्या बनाना है, क्या बनाना था, कॉफ़ी, जो कि इसको धोना पड़ेगा यार, ठंड और हाथ गीले करने हैं, कोई बात नहीं कर देते, कौन सी बड़ी बात है। सो गाइस, ये रही हमारी कॉफ़ी। सो गाइस, अब हमें पता ही करना है, आपको कैसे पता होगा, मैं नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता होगा यार, मैं बता रही हूँ ना, जो छोटी वाली इसका ढक्कन नहीं है, जो छोटी वाली बोतल है इसमें हम कॉफ़ी डालनी है, और ये जो बड़ी वाली बोतल है इसमें भी चाय डालनी है, ठीक है। सो गाइस, ये रही हमारी सब्जी, जब मैंने पहले रसोई में शूट किया था ना, तो वहाँ पे हम सिर्फ रोटी रोटी दिखा रहे थे, मैंने सब्जी दिखाई नहीं थी, तो ये हमने सब्जी बनाई है, मिक्स वेज सब्जी। तो सो गाइस, यहाँ पर हम निकल पड़े थे अपनी पहली यात्रा की तरफ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था, जैसे तैसे हम निकल ही गए थे। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। सो गाइस, हम यहाँ पे स्टेशन पहुंच चुके थे, और उसके बाद हमने गाड़ी भी ले ली थी, और यार इतना लंबा सफ़र करना थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट होता ही है, बिकॉज़ ये मेरा तो पहली बार था, इसके हमें जाने में 23 से 24 घंटे तो आराम से लग ही गए थे, और ट्रेन भी कुछ लेट आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो लग ही गया था टाइम। और इसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमे फिरे ट्रेन में, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया कि कुछ ऐसा व्यू था, बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, और उसके बाद हमने रात को भी कुछ अटरम शटरम कुछ ना कुछ खाया, और यहाँ पे हमें रूम मिल गया था बाहर, रूम क्या है। सो गाइस, मैं बोल रही थी कि रूम, बट ये साई संस्था है, जो कि मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि ये कोई होटल रूम या ऐसा कुछ नहीं है, जो कि बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हम नेक्स्ट डे सुबह घूमे फिरे, बहुत इंजॉय करा, पर ना हमें अंदर शिरडी में फ़ोन अलाउड नहीं करते हैं, मैंने सोचा था कि अलाउड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ और सिर्फ बाहर ही फ़ोन जमा करवा के गए थे, और यहाँ पे बाहर साईं सभा चल रही थी, शायद इसे साईं सभा ही कहते हैं। और अगर मैं दर्शन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे, और हमने एक बार नहीं दो दो बार दर्शन किए थे। उसके बाद हम चले थे शनि मंदिर की तरफ, शनि मंदिर ही कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम रुके थे कुछ जूस वगैरह पीने, क्योंकि अब हम घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी तो हमें भी चाहिए, चाहिए तो है ही, तो फिर हमने थोड़ा सा जूस वगैरह पिया, कुछ इंजॉय किया, आप सब देखिए। जो जो बोले तू बयान दे आंगे, चले आजे बस आसमान दे आंगे, दुनिया में
ਹੱਸੀ ਨੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे शनि मंदिर और यहाँ ये तो मैं सिर्फ बाहर के दर्शन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अंदर के दर्शन भी कराती हूँ। ये हैं कुछ अंदर के दर्शन, मतलब शनि जी के दर्शन तो बाहर ही हैं, वहाँ पे तेल वगैरह चढ़ाया जाता है और यहाँ पे हमने माथा वगैरह टेका। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके थे साईं जी का, अब मैं से क्या ये बोलूँ, इसे शायद भंडारा कह सकते हैं। हाँ तो हमने यहाँ पे भोजन किया, बहुत ही ज्यादा यमी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, लाजवाब बहुत। सो गाइस खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए हम खाना खाने के बाद अपने रूम में जाके सो गए थे, क्योंकि यार घूमने फिरने में तो थकावट हो ही जाती है। फिर रेस्ट करने के बाद हमें थोड़ी सी एनर्जी मिली, जिसमें हम घूमने आए और यहाँ पे मैंने वेयर करी है ब्लू कलर की ड्रेस, जो कि लग तो अच्छी रही है। और उसके बाद हमें भूख लग गई थी, फिर हम घूम फिर के इधर उधर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई और फिर घूम फिर के हम चले गए खाना खाने। और खाना खाने के बाद हमें सुबह निकलना भी था वृंदावन के लिए, और वृंदावन का अगर आपको व्लॉग चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग वृंदावन का ही लाऊंगी। और ये था हमारा शाही 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 भोजन, और ये हम रूम में चले गए थे रात को। तो यहीं पे हमारा व्लॉग खत्म होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।